अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वेलकम टू किचन विद साइमा फैसल आज मैं आपके लिए गाजर के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूं और वो भी सिर्फ 10 मिनट्स में बनेगा बहुत ही क्विक और इंस्टेंट रेसिपी है लेकिन टेस्ट और फ्लेवर में किसी भी हलवे को वो बीट कर सकता है बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही सुपर टेस्टी बनने वाला है ये आज का हलवा तो चलते हैं इसके प्रोसीजर की तरफ सबसे पहले एक कुकिंग पॉट के अंदर मैंने वन के जी कैरे लिए हैं इनको मैंने वॉश करके अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है और इस तरह से इसको मैंने पैन में डाला है और अब मैं इसके अंदर डालूंगी वन कप मिल्क यानी एक कप ये दूध है फुल क्रीम मिल्क में इसमें यूज कर रही हूं और इसके अंदर जा रहा है वन कप ही मिल्क क्रीम ये हैवी क्रीम है वो मैं इसमें डाल रही हूं और साथ ही इसके अंदर जाएगी शुगर यानी चीनी वन कप से थोड़ी सी कम यानी टू थर्ड कप ये इसमें डाल के हम इसको कवर कर देंगे ये हलवा बहुत ही जल्दी और क्विक बनने वाला है आ, ये मैंने इसको कवर किया थोड़ी देर के बाद मैं इसको खोल रही हूं और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी ताकि इसके सब इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं शुगर जो है वो भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इस तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसको करूंगी कवर और फिर इसको लो हीट के ऊपर टेन टू फिफ्टीन मिनट्स के लिए हम इसको कवर कर देंगे ये देखिए मैंने मिक्स किया और अब मैं इसको कवर कर रही हूँ और मैं इसको टेन मिनट्स के बाद खोल कर चेक करूँगी ये देखें जी टेन मिनट्स के बाद मैंने इसको खोला है और अब आ, इसको मैं इसकी हीट जो है वो अब मैं मीडियम कर दूंगी और अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं ये क्लैरिफाइड बटर हाफ कप यानी आप इसमें देसी घी यूज कर सकते हैं बटर यूज कर सकते हैं ऑयल यूज कर सकते हैं आपकी अपनी चॉइस है और वन टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर यानी स्मॉल कार्डमम पाउडर इसमें डाला है और ये है चॉप्ड आलमंड्स यानी बादाम टेन टू तो ट्वेल्व ये डाले हैं और टेन टू तो ट्वेल्व ही इसमें जाएगा पिस्टाश्यू यानी पिस्ता वो भी मैंने चॉप करके इसके अंदर डाल दिया है और अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे मीडियम हीट के ऊपर ताकि अपना सारा ऑयल या बटर या घी वट यू यूज वो अच्छी तरह से इसको रिलीज कर दे और इसका सारा जितना भी इसके अंदर मॉइस्चर है वो भी एपेपोरेट हो जाए ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसकी बुनाई की है ये देखिए और अब आपने अपने स्पून की बैग से इसको अच्छी तरह से इस तरह से मैश करना है ताकि अगर इसके अंदर बड़े बड़े कैरेट्स uh, के कोई चंक्स हैं तो वो अच्छी तरह से मैश हो जाए कुछ लोगों को थोड़ा चंकी हलवा पसंद होता है और कुछ लोगों को बहुत बारीक दानेदार पसंद है तो आपकी अपनी चॉइस है कि आपने इसको कितना मैश करना है तो इस तरह से आप इसको फ्राई करते रहेंगे और अच्छी तरह से जैसे ही ये अपना ऑयल जो है या घी जो है वो छोड़ देगा तो उसके बाद हम इसका फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे और फिर हम ऐड करेंगे खोया ये देखें ये अब हमने इसकी जो हीट है वो ऑफ कर दी और इसमें मैं डाल रही हूँ ये हाफ़ कप खोया ये इसमें हमने डाल दिया है और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और ये हमारा गाजर का हलवा जो है वो रेडी हो गया है आपने देखा है कितना क्विक और इंस्टेंट बन गया है ये आजकल की फास्ट लाइफ में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो दो से तीन घंटे खड़ा होकर किचन में जो है वो हलवा रेडी करे तो ये बहुत ही क्विक और इंस्टेंट बनने वाला है सिर्फ टेन मिनट्स में बना है लेकिन टेस्ट और फ्लेवर में किसी भी हलवे को ये बीट कर सकता है बहुत ही अमेजिंग इसके रिजल्ट आए हैं आपने इसको जरूर ट्राई करना है और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ऑल की ऑप्शन आएगी उसको आपने जरूर क्लिक करना है ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मेरे चैनल के ऊपर ब्रेड के हलवे की भी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है उसका लिंक मैंने आई बटन में भी दिया है वीडियो के एंड में भी दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है उसको आपने जरूर ट्राई करना है वो भी जिस किसी ने भी उसकी रेसिपी बनाई है उसने उसकी बहुत ज्यादा तारीफ की है आपने उसको जरूर ट्राई करना है और जी अब हमने इस हलवे को डिश आउट किया है और मैं इसमें मिडल में इसमें इस मैंने स्टैचूज लगाए हैं साइड पे मैंने आलमंड्स लगा के एक फ्लावर सा बना लिया है और उसके डिश के जो कॉर्नर्स हैं उसके एज के ऊपर मैं खोया लगा रही हूं और ये हमारा गाजर का हलवा जो है वो रेडी हो गया है देखा है आपने कितना ये सिंपल और इजी था लेकिन टेस्ट में बहुत ही जबरदस्त बहुत ही अमेजिंग है तो आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है नेक्स्ट टाइम किसी और रेसिपी के साथ आऊंगी टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज